आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। ये पापा ब्लू सो रहे हैं, फिनी मेरी यहाँ सो रही है एज़ यूजुअल, बहुत धूप तेज़ हो रही है, टेरेस में कपड़े धुल गए, सूख गए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मानो को, आज मानो से मिलते हैं, मानो के बेबीज को दिखाते हैं। हेलो मनु, कहाँ कर लियो मनु? मनु की बेबी कहाँ कर ले? एक ये, बाकी सब कहाँ है? कहाँ कर ले? ये देखिए यहाँ, हम उधर थोड़ी सी लाइट जलाते हैं। मनु ये छोटा छोटा बेबी नहीं ना, गंदा बच्चा। मनु आज तुम्हारा बिस्तर भी साफ करना है, बिस्तर चेंज करना है तुम्हारा, बल्कि आज ये 3 दिन से हमने तुम्हें छोड़ा हुआ था, आज लाजमी तुम्हारा बिस्तर चेंज करना है। ये रे मनु की बेबीज। और आइए ये देखिए, आज हमारी जो आँख है आज बहुत देर से खुली, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और ये एज़ यूजुअल इन्होंने यहाँ से एंट्री दे दी है, मोमो बेगम ने, इनको करते हैं अंदर। चलिए, कहाँ गई थी? मियाँ क्या, इधर देखो। हेलो बोलो, हेलो मोमो, हेलो करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोमो से सलाम कर लो, मोमो सबको सलाम तो कर लो। मोमो नो लिफ्ट। चले आए, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और नाश्ता देखें, ये मेरा तैयार हो गया है, सब बच्चे सो रहे हैं, तो अकेले नाश्ता मैंने बनाया है अपने लिए। ये है ओट्स स्लाइस, अंडा और मेरी चाय पीनट बटर। तो आइए नाश्ता करते हैं। ये जो ओट्स है इसके अंदर मैंने फ्रूट ऐड किए हैं, बनाना है, डेट्स हैं, मतलब खजूर, सेब, केला। और इसके अंदर मैं डालती हूँ तुख मलंगा जिसे कहते हैं, उसको मैं पीस कर रख लेती हूँ, और हाफ टी स्पून या एक दो चुटकी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि इसकी जो पूरा कंप्लीट मील मेरा तैयार हो जाए। इस तरह यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, एक अंडा, क्योंकि प्रोटीन भी ज़रूरत है। और पीनट बटर है, इसका इस्तेमाल तकरीबन ये होता है सिर्फ 1 टीस्पून, अगर 1 स्लाइस पे आपने लगाना है या 2 पे लगाना है, तो इतना इस्तेमाल करना है इसको कि कम से कम जो है 1 टीस्पून से ज़्यादा ना हो इसकी क्वालिटी। और ये है चाय, चाय में नॉर्मली दूध यूज़ करती हूँ, दूध जिस वक्त मैं बॉयल करती हूँ तो उसके अंदर उसको इन द क्वान्टिटी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, ताकि जो इसकी फैटनेस है वो कम हो जाए। मैं स्किम मिल्क कभी यूज़ नहीं करती। वेलकम बैक इन माई किचन। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाने देने जा रही हूँ वो है मोज़रेला चीज़, जिसको हम बना रहे हैं दूध से। और जो मोज़रेला चीज़ जो आप देख आप सब जानते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं पिज़्ज़ा में, और दिगर जो हमारी जो रेसिपीज़ हैं, हम दिगर खाने बनाते हैं उसमें मोज़रेला चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आज हम इसको घर में बनाने सिखा रहे हैं। पहले मैंने इसको बनाई थी 1 किलो दूध से, और आज मैं आप सबको बताने के लिए इसको बना रही हूँ 2 किलो दूध से। यहाँ हम ले रहे हैं 2 किलो दूध, जो कि बिल्कुल अभी इस वक्त मैंने बॉयल नहीं करा, ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा निकाला था, थोड़ा और इसमें डाल रही हूँ। 2 किलो ये दूध है, इसको हमने बॉयल नहीं करा, ये बिल्कुल कच्चा दूध है, इसको हमने बॉयल नहीं करना है। आज का जो टेम्परेचर हमने इसका बिल्कुल हल्का रखना है, बहुत तेज़ हमारा टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि तेज टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। दूध को हमने किस लेवल पे आके अपने रेसिपी को स्टार्ट करना है, उसको इस तरह से करना है जैसे अभी हमने दूध डाला, तो ये बिल्कुल अभी ठंडा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने जो चिकनाई की, सबसे पहले जब दूध बॉयल होने लगता है तो उसके ऊपर चिकनाई की एक लेयर आ जाती है, तो वो लेयर आने से पहले ही हमने चूल्हे को बंद कर देना। और सेकेंड ऑप्शन इसको चेक करने का ये होता है कि जैसे कि अभी हमने फिंगर डाल के मैंने आपको चेक करके दिखाया, तो इसी तरह आप थोड़े थोड़े बाद इसके अंदर फिंगर डाल के चेक करते रहें कि ये इस हद तक इसके छोड़ देना, चूल्हा बंद कर देना हमने यहाँ पे आके, कि ये दूध के ऊपर जो है तो हल्की सी हीट पे आ जाए और दूध ये बॉयलिंग की तरफ ना जाए, ठीक है। दूसरी तरफ ये हमारा जो बाउल है जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, इसकी आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है कि जब तक हमारा दूध जो है रेडी होता है तो हम इसके चूल्हे को फिर हम बंद कर देंगे। मजीद प्रोसेस जो है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है 1 अदद लीमू, लीमू को हमने 2 पीस में कट कर लिया, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब आप देख सकते हैं, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेती हूँ कि अभी भी ये नहीं हुआ है रेडी। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए जो अगर हम जिस तरह से यहाँ पे नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह कर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप टाटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने इस्तेमाल करना है उसमें ये है कि हमने इसको दूध को जो है इस स्टेज पे आके डालना है, तो इसको मकसद इसको हमें जो है इसको
फाड़ना है। दूध हमारा तकरीबन रेडी पे हो आ गया है, तो अब हम स्टेज पे आके इसको तकरीबन ये गर्म हो गया, हम स्टेज पे आके इसकी चूल्हा बंद कर देंगे। और इसके साथ साथ जो ये पानी यहाँ हमारा पक रहा है, इसको थोड़ा सा हम इसकी आँच जो है बढ़ा देंगे, ताकि ये इसका जो रेसिपी है इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको बना सकें। इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पे इस नींबू का जो रस है वो इसके अंदर यहाँ डाल देना है, आधा नींबू का रस ये है। अब आप देखना शुरू करें इसको, थोड़ा सा कैमरा कर देते हैं कि ये यहाँ से इस टेक्सचर पे आ गया है, ठीक है। इसी तरह जो आधा बाकी नींबू है वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है, वो हम दूसरी जगह पे आपको डाल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये इसका टेक्सचर आ रहा है। इस तरह से इसको दबा के अच्छी तरीके से पूरे नींबू का एक पूरा रस निकाल देंगे। ये हमने इसके अंदर नींबू डाल दिया, अब आप देख सकते हैं कि इसका क्या टेक्सचर आ रहा है। अब इस स्टेज पे आके हमने एक चम्मच की मदद से, छन्नी की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने हिलाना है। यहाँ चिकनाई की हल्की सी एक क्लियर नज़र आ रही होगी, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि इससे ज़्यादा आपके ऊपर जो है ये दूध किसी जो बॉयलिंग की तरफ ना जाए, ठीक है। मतलब हमने इसका टेम्परेचर दूध का इतना रखना है कि इस हद तक दूध को बॉयल करना है कि हमारा जो ये दूध चूल्हा है हमने इस स्टेज पर आके इसको बंद कर देना है। तो बिल्कुल इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको चम्मच चलाएंगे। चम्मच हमने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से इस तरह से चलाएंगे कि ताकि जो नींबू हमने इसमें ऐड किया वो अच्छी तरह से इस दूध में मिक्स हो जाए, और इससे जो इसका छेना जिसे बोलते हैं छेना इसका तैयार हो जाए। छेना तैयार होने के बाद इसका मज़ीद प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। यकीनन आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि दूध के ऊपर ये हल्का हल्का सा ये इसका छेना आना शुरू हो गया है, दूध का पानी अलग हो जाएगा और ये छेना है इसका ये यहाँ पे ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको आपके मज़ीद 1 से 2 मिनट और चलाना है ताकि ये प्रॉपर तौर पे जो है इसका छेना जो अलग हो जाए, इसका पानी अलग हो जाए, दूध अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर ले। और जिस तरह से मज़ीद आगे इसका प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। और जैसे ही दूध का एक तरफ दूध का जो है टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाए, तो आपका जो चूल्हा है ये आप यहाँ पर बंद कर देंगे इसको। और यहाँ पे मुसलसल हम इसका चम्मच चला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। और ये जो है अपना, मैं आपको दिखाऊं, ये अपना इस तरह से ही आना शुरू हो गया। यहाँ से ये तैयार होना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और थोड़ा सा बताती चलूँ, ये देख रहे होंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ये आना शुरू हो गया है। दूध ने अपना पानी जो है छोड़ दिया है, पानी का कलर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जिस तरह से आप मैंने यहाँ पे नींबू यूज़ किया, आप इसी तरह से यहाँ पे जो है सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 किलो दूध का आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि हमने यहाँ पे 1 जो है नींबू इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था जैसे कि इसके अंदर आप सिरका डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच सिरका टीस्पून आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि दूध का जो है पानी का टेक्स्चर बिल्कुल जो है पानी अलग हो गया, और ये छेना जो इसका है बिल्कुल एक साइड पर तैयार होता जा रहा है। तो मज़ीद इसके अंदर से हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये जो दूध के अंदर जो थोड़ा सा इसका छेना मज़ीद बाकी है ये अलग हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसमें हम टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं, ये 1 से 2 स्पून टाटरी आप डाल सकते हैं। अगर इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, कम और ज़्यादा हम उस सूरत में भी कर सकते हैं कि अगर से आपको लगे कि ये दूध नहीं फट रहा है, ये इस टेक्स्चर पर नहीं आ रहा, तो आप इसके अंदर जो नींबू की टाटरी की और जो है सिरके की क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी सूरत में ये भी कर सकते हैं, अगर से आप देखें कि फिर भी किसी सूरत में ये दूध नहीं फट रहा, तो आप इसके अंदर आँच हल्की आँच पे इसको दोबारा से देखिए, हो सकता है कि दूध जो है वो प्रॉपर गर्म ना हो, तो हल्की आँच पे इसको दोबारा से आप इसको गर्म करें, और उसके बाद जब आपका ये टेक्स्चर आना शुरू हो जाए तो आप इसको चूल्हे को बंद कर दें। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन पानी अलग हो चुका और ये छेना हमारा तैयार हो गया, ये देखिए। यहाँ पे आके हम इस बॉयल जो इसमें हमने पानी गर्म किया उसको हम एक जगह साइड पर रख लेंगे। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे एक बाउल, उसके ऊपर हमने छन्ना रख लिया, उसके हमने क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या किया है इसको हम यहाँ से उठाएंगे, और इसको ये जो पानी इसका है इसके अंदर हम इसको डाल के इसको छान लेंगे, ताकि जितना पानी में जो इसमें मिक्स नहीं हुआ, इसके साथ ज्वाइन नहीं हुआ, वो इसमें छन जाए, और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो ये सारा इसका आइटम है वो मिक्स हो जाए, मतलब इसकी जो जो भी इसके अंदर दूध का जाएगा।
इस स्टेज पे आके मेरे सामने एक सवाल आया कि 2 किलो दूध में सिर्फ इतनी सी चीज़ बनेगी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2 किलो दूध में ये तकरीबन बनेगी। इसका कितना वजन आएगा ये मैं भी आपको चेक करके बताऊंगी। और अभी इस स्टेज पे आके जब हम इसका मज़ीद प्रोसेस करेंगे ये और मज़ीद छोटी हो जाएगी, तो इस बात का आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ार में जो मौजूद चीज़ मिलती है वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है। तो यहाँ हम जो तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल आपके सामने है, और आप ख़ुद तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर अपनी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसे लगी, आपने बनाया तो इसका क्या रिज़ल्ट आया। मज़ीद इसको अपनी जो रेसिपी है इसको हम आगे करते हैं। यहाँ हमने गर्म पानी रख लिया है, गर्म पानी के साथ हम इसका क्या प्रोसेस करेंगे, ज़रा इसका थोड़ा सा पानी जो है नीचे से मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी इसका बिल्कुल अलग हो गया है, ठीक है ये देखें। और मज़ीद इसका थोड़ा सा पानी अच्छी तरह से निकल जाए, और ये पानी जो हमने यहाँ रखा था इसको गर्म किया था, ये हल्का नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया इतना कि इसकी हम फिंगर डाल के इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मज़ीद जो ये इसका छेना साइडों में लगा हुआ है छन्नी के ये निकल जाए, और इसको यहाँ मज़ीद दबाएंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। अभी दे ज़रा आप एहतियात करीजिएगा इसको दबाते रहे, क्योंकि थोड़ा सा इस वक्त गर्म है और इतना गर्म है कि ये मेरे हाथ पे लग रहा है, और आप भी ज़रा इसको ट्राई करें तो ज़रा इसको एहतियात के साथ बनाइएगा। इसको अच्छी तरीके से इसका पानी निकालना ताकि जो नींबू की जो खटास है या सिरके की या टाटे की जो भी खटास होगी वह जो है ना इसमें से अच्छी तरीके से निकल जाए। और जब हम इस प्रोसेस पे आके इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो है साइज़ और मज़ीद छोटा होता जा रहा है। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के इसका पानी निकाल दिया है, एक इसके अंदर थोड़ा सा इसको इस तरह से करना है ताकि जो हमारी जो चीज़ है बिल्कुल दानेदार भी बनेगी जब हम इसको मिलाएंगे और एक दूसरे पर इस तरह से रखेंगे। तो ये पानी इसका तकरीबन निकल चुका है और मज़ीद अभी इसका निकल रहा है, तो किस तरह मज़ीद इसका पानी हमने निकालना है उसके लिए हम इसको यहाँ से उठा के इस पानी में डाल देंगे जो हम के हमने बॉईल किया था। छेने को हमने इस पानी बॉल में डाल दिया है जहाँ पे इसमें हमने गर्म पानी रखा था, अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है बिल्कुल पानी का कलर चेंज हो गया, दूध का कलर से मिक्स होने लगा, और यही कलर हमने इसमें से निकालना है। दूध का तमाम जायका पानी का जो खटास वो सब हमने इसमें से निकालनी है, और इस स्टेज पर आके हम इसको तकरीबन 10 से 5 सेकेंड हम इसको छोड़ेंगे ताकि इसका जो है टेक्स्चर थोड़ा सा सही आ जाए। यहाँ हमने इसको निकाल लिया है बाहर, और इसको इस तरह से दबा दबा के हाथों से दबा के हम इसका पानी इसमें से निकालेंगे, और इसको हमने इस हाथों पर आप मेरे हाथों को ज़रूर इस तरह से देखिएगा कि हमने इसको प्रेस किस तरह से करना है, इसको इस तरह से निकालना है। और इसका रीज़न ये है कि जब हम इसकी चीज़ तैयार करेंगे तो हमारी जो दानेदार चीज़ होती है लच्छेदार होती है जिसको हम खींचते हैं तो वो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त टेक्स्चर आता है, वो हम खुद में भी पसंद है, हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग खाने से ज़्यादा उसका टेक्स्चर पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। पानी हमारा इसके अंदर इस स्टेज का भी जो हमने गर्म पानी किया था ये इसके अंदर से पानी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से निकल गया। मज़ीद जो हम इसका प्रोसेस करेंगे वो हम यहाँ कर क्या करेंगे कि हमने एक बॉल यहाँ लिया है जिसमें हमने चिल ठंडा पानी डाला, ठीक है, एक बार फिर हम इसको यहाँ डालेंगे। अच्छा चिल पानी ठंडा अगर आप चाहें तो इस गर्म पानी पर ही आप आके इस चीज़ जो है इस छेने को आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि अभी थोड़ा सा मौसम की वजह से अभी थोड़ी गर्मी हो गई है तो गर्मी की वजह से हमने इसको यहाँ पर थोड़ा ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। और आप भी अगर ये चीज़ बनाएं अगर मौसम सर्द हो तो आप जो है गर्म पानी से कर सकते हैं, और अगर जब मौसम ठंडा आ गया है गर्म आ गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चिल वाटर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त ये मीटर मैंने स्टार्ट किया इसके अंदर कितनी क्वान्टिटी में तैयार हुई है, तो आप देख सकते हैं 151 ग्राम है। हमने इस चीज़ को एक प्लास्टिक शॉपर से शीट ले लें, आपको शॉपर ले लें उसको इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसको टाइट जो है इसको बंद करेंगे इस तरह से, एक शेप दे देंगे, ये किसी भी शेप में जो आप बनाना चाहें किसी बॉल में रखना चाहें, मेरे पास चूँकि गोल है तो मैं इसको थोड़ा सा गोल बना के इस तरह से इसको रख लूँ, ठीक है। ये हो गया तैयार देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे अगर बॉल में रखूँगी उसके बाद मज़ीद क्या प्रोसेस आता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 से 5 घंटे के इंतज़ार के बाद हमने जिसको वेट किया था यहाँ इसका ये टेक्सचर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम इसको जो है इसमें कद्दूकस कर लेंगे इसके साथ, तो अभी हम जो यहाँ पे आपको कद्दूकस करके दिखाती हूँ कि इसका यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए आप इसको अगर कैमरे में आपको दिखा सकते हैं अच्छे से, ये इस तरह से ही निकल रही है, ठीक है। मज़ीद आपको इसको मैं कद्दूकस करके इसको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं ये इस वक्त ये देखें
बिल्कुल जिस तरह से बाजार में आप पैकेट में अगर आप ये चीज़ में मिलती है बिल्कुल ये उसी तरीके से तैयार होगी। तो ये थोड़ा सा इस वक्त अगर ठंडी ही होती है तो इसको ज़रा एहतियात से आपने इसको कद्दूकश करना है कि हाथ के ऊपर थोड़ा किसी किस्म का कोई चोट वगैरह ना लगे। तो इसको हम पूरी कंप्लीट तैयार करते हैं फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है तकरीबन इसकी कंप्लीट फाइनल लुक। अब जो हमने तकरीबन ये तैयार होने के बाद इसको हम ये कर सकते हैं, या तो अगर आपने फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, और अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना तो इस तरह का कोई भी कंटेनर या कोई बाउल लेके आप इसको इसके अंदर डाल के सेव करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। ओवन को मैंने इस वक्त यहाँ पे प्रीहीट करने के लिए रख लिया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ ब्रेड स्लाइस, यहाँ पर हम इसको अंदर चीज़ डाल के इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसका कैसा रिजल्ट आता है। ओवन हमारा प्री हीट हो गया है। ब्रेड स्लाइस यहाँ से उठा के इसको हम जो है यहाँ स्टैंड में रख देंगे, चीज़ मेल्ट हो जाती है तो फिर मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ। ओवन मैंने ऑन कर दिया है, इसको उस वक्त तक जो है ओवन में रखेंगे जब तक हमारी चीज़ मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। चीज़ इसकी मेल्ट होना शुरू हो गई है, मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे जो ब्रेड की और मोतज़िला चीज़ की फाइनल लुक। वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन दब बना हुआ आता है उसको ज़रूर जो है आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आपको आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ।